राजीव भवन में आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री को घोषणावीर बताया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने बताया कि पांडुर्णा को घोषणाओं में चौथी बार जिला बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने बाकायदा सूची जारी कर आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा अपने मनचाहे अधिकारियों को छिंदवाड़ा में पोस्टिंग कराकर चुनाव जीतने की जुगत लगाई जा रही है। हालांकि फैसला आखिर में जनता को ही करना है। देखिए कांग्रेस द्वारा जारी की गई ट्रांसफर की सूची। श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ विभिन्न अधिकारियों की पदस्थापना भावे। जय श्री राम। ईश्वर की कृपा से आप सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न होकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में प्राण पण से जुटे हुए हैं। आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में फिर से सरकार बनाएगी। अब इसके आगे सुनिए, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए प्रशासकीय अधिकारियों का के नवीनतम प्रतिस्थापना करने से छिंदवाड़ा जिले के संगठन को और संगठनात्मक सहयोग और प्रशासनिक सकारात्मकता भूमिका प्राप्त होगी, जिससे हम अभियान में सफल होंगे। यानी ये आप इन्होंने जो ये पत्र लिखा है, यदि ये पत्र सही में है तो इन्होंने पूरे चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये पत्र लिखा है। और अब मैं अब ये प्रश्न करना चाहता हूँ और मैं इसको इलेक्शन कमीशन को हम जिला कांग्रेस की ओर से भेजेंगे कि जब इन्होंने ये अधिकारी लाए, ये प्रशासनिक दृष्टि से नहीं लाए, ये इलेक्शन की दृष्टि से लाए जो इनके पत्र से होता है, तो हम कैसे मान लें कि जो अधिकारी ट्रांसफर होकर के आए, ये 4 जून का पत्र है, इसमें से बहुत सारे अधिकारी यहाँ पदस्थ हुए हैं, कैसे मान लें कि वो निष्पक्ष है और छिंदवाड़ा में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम इसको इलेक्शन कमीशन के सामने भी उठाएंगे और कहीं आवश्यकता होगी तो और भी स्थानों पर हम इसको जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के लाभ के लिए सरकार बनाने के लिए अधिकारियों का सहारा ले रही, उनको जनता पे भरोसा नहीं है, आम जनता पे भरोसा नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, उनके अधिकारियों पे भरोसा है। ये अधिकारी हमारे आ जाएंगे तो हम यहाँ चुनाव जीत जाएंगे। हमने बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आ चुके हैं, बहुत से आने और जाने वाले हैं। ये लोग चुनाव को देखते हुए अपने आदमियों की सेटिंग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिस ढंग से जिस बूथ पे भी जैसा कराना चाहे मन मर्जी से चुनाव इनकी इच्छा से कराना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, निर्वाचन को, सभी को लिखित शिकायत भेजने वाले हैं। पांडुर्णा जिला बनाने की घोषणा कल सीएम ने करी है, उसमें कुछ विसंगतियां है, क्या है मतलब आपका स्टैंड क्या रहेगा? विसंगति हम लोग स्टैंड ये पहले कमलनाथ जी ने पांडुर्णा को जिला बनाने की घोषणा की थी, उसमें मुलताई को मिलाने की बात की, मुलताई पांडुर्णा और सौसर 3 ब्लॉकों को मिला के इसको एक जिला बनाना था। इन्हें केवल 2 ब्लॉक को बना के जिला बनाया और उससे दिक्कत ये जा रही है कि हमारी विधानसभा सौसर और पांडुर्णा आधी छिंदवाड़ा में आ रही हूँ और आधी पांडुर्णा में जा रही हूँ, तो एक एक विधानसभा दो दो जिले में बढ़ जाएंगे। आपने और जिले के बाहर किसी मैंने बताया कि बगैर पैसे लिए दिए ना कोई निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है, ना अधिकारी कर्मचारी की परस्ती हो रही है। जाना है तो पैसा दो और आना है तो पैसा दो। कॉलेज बनाने की घोषणा करिए। देखिए कॉलेज जहाँ बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बलना जी मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में बना रहे हैं, नंबर एक। साथ हमारे सेंट्रल स्कूल छिंदवाड़ा में, मॉडल स्कूल मध्य प्रदेश का 4थे नंबर का छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी ने खोला हुआ है। और इसी तरह नवोदय विद्यालय की बात हो, एकलव्य विद्यालय की बात हो, ये सारे के सारे तो माननीय कमलनाथ जी ने शिक्षण संस्थान और भविष्य में भी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वो शिक्षा वाला अलग था, इलाज वाला अलग था और शिक्षा वाला अलग था, ये सब तो कमलनाथ जी ने किया हुआ है।